हेलो माय ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं ट्रू हेयर शैम्पू और प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने वाली हूँ कि ये कैसी ब्रांड है, इसके प्रोडक्ट कैसे हैं, मुझे सूट हुए या नहीं सूट हुए। पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने इन प्रोडक्ट को यूज़ करा है और मैं उसके बेसिस पे आपको बताऊँगी कि आपको ये शैम्पू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने जो YouTube पर थर्ड वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ट्रू हेयर शैम्पू का रिव्यू दिया था, जिसमें मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया था कि कैसे क्या था, कैसे मंगाया मैंने। तो मैं फिर से बताना चाहूँगी कि 2021 में मेरा हेयर लॉस स्टार्ट हुआ था और मेरे बाल इतने कम हो चुके थे, इतना वॉल्यूम मेरा हल्का हो चुका था। तब मेरी फ्रेंड ने मुझे ट्रू हेयर का सजेशन दिया था, तब मैंने वो शैम्पू मंगाया था। एंड बिलीव मी गाइज, आई लव दिस ब्रांड, आई लव दीज शैम्पूज। मुझे ये इतना ज़्यादा सूट हुआ था और मुझे ये बहुत पसंद है। और जब भी मुझसे कोई हेयर फॉल की दिक्कत शेयर करता है तो मैं उसे ट्रू हेयर का ही सजेशन देती हूँ। मैंने बहुत से होम्योपैथिक शैम्पू और बहुत शैम्पू यूज़ करे बट मुझे किसी से फ़ायदा नहीं हुआ था, मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, बट ये ब्रांड मुझे सूट हुई, ये प्रोडक्ट मुझे सूट हुए। और इसे मंगाने का तरीका बहुत अच्छा है। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको गूगल पे जाना होता है। गूगल पे जाने के बाद आपको ट्रू हेयर डालना पड़ता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद जब आप सर्च में जाते हैं तो इसकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। जब वो ओपन होती है तो आपको ट्रू हेयर में जाना पड़ता है कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसकी जो साइट ओपन होती है उसमें वो आपसे कुछ सवालात पूछते हैं, जिसमें वो आपके बालों की डेमोग्राफी पूछते हैं, आपकी एज, आपके बालों का टेक्सचर, सब कुछ। और आपको सारे ही सवालों के जवाब देने होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए पूरी प्रोसेस मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। और जब ये पूरी प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हो, सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देते हो, तो ये आपको कुछ प्रोडक्ट आपके हेयर प्रॉब्लम को देखते हुए सजेस्ट करते हैं। आपको जो लेना है आप सिलेक्ट कर लें, जो नहीं लेना है वो आप कट कर सकते हैं। पहले जो मुझे शैम्पू सजेस्ट हुआ था वो था ट्रू हेयर बायोटिन एलमंड एलोवेरा शैम्पू। उसके बाद मैंने एक और शैम्पू यूज़ करा था जो मुझे ज़्यादा सूट नहीं हुआ था, मुझे डैंड्रफ की भी दिक्कत हो गई थी। तो अब जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है टी ट्री शैम्पू, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगी। आप देखिए कि किस तरीके से सारे ही जो प्रोडक्ट हैं वो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो और ये सारे प्रोडक्ट आपको आपकी प्रॉब्लम देखते हुए रिकमेंड किए जाते हैं। अगर आप इनका सही से इस्तेमाल करते हैं तो आपको खुद लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, हेयर फॉल की दिक्कत ख़त्म हुई है। मैंने ऐसे बहुत सी ब्रांड्स देखी हैं जो ये क्लेम करते हैं कि अगर आप ये यूज़ करते हैं, बट मेन बात सूट की होती है। अगर आपको सूट कर गया है तो आपके हेयर फॉल की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आपको सूट नहीं करता है तो कम से कम आपके 1000-1500 रुपए तो खर्चे होने हैं। तो उस हिसाब से ट्रू हेयर बजट के अंदर है। इसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। मैंने जो टी ट्री का शैम्पू मंगाया था मुझे कुछ 350 रुपए में मिला था। और ये जो सारे ही प्रोडक्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि ये ट्यूब में जो टी ट्री का शैम्पू है और ये जो ऑयल है, ये हीटर है, ये मुझे 200 रुपए में पूरा एक बॉक्स मिला था। ये बॉक्स भी मैं आपको बताती हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि अगर आप मंगाते हैं फ्री मिलता, तो मैंने वहाँ पर वो करा था, सेलेक्ट किया था, तो मुझे ये बॉक्स मिला था। इसमें पूरी ही प्रोसेस बताई थी कि आप किस तरीके से ऑयल को गर्म करते हैं। खैर ये तो हमें भी पता होगा कि ऑयल कैसे गर्म किया जाता है, बट फिर भी ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। प्लस ये कहते हैं कि हीटर को वॉश ना करिए। उसके अलावा मुझे मतलब ये जो जिस तरीके से इन्होंने सब दिया था और जितना एक्सप्लेन करके ये अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं, आप देखिए, ज़ीरो पैराबेंस, ज़ीरो सल्फेट, ज़ीरो LLP, ज़ीरो केमिकल, ये सबसे बेस्ट बात है ट्रू हेयर की। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं, मुझे ये ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा था बॉक्स। मैंने इसकी जो साइट है इंस्टाग्राम पे, वहाँ से मंगाया था, तो मुझे मिला था एक हीटर, ऑयल एंड शैम्पू ट्यूब वाला। बस तो उसमें ये कमी थी, ये जो ट्यूब है ये सिर्फ 3 या 4 वॉश का ही था, 5 वॉश का, लेकिन मैंने बस ट्राई करके देखा था क्योंकि मुझे डैंड्रफ की दिक्कत थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उससे रिलीफ मिला था। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, जिस तरीके से ये आया था, मुझे सारे ही जो प्रोडक्ट थे, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो हीटर हो, मुझे बहुत अच्छा लगा था। प्लस इन्होंने सब बताया भी था कि इनका जो भी प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या पाया जाता है, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी नेचुरल चीज़ें हैं,
जो कि बहुत अच्छी बात है। ये जो जितने भी ट्रू हेयर के प्रोडक्ट हैं ये जड़ी बूटियों से ही बने होते हैं। अगर आप मेरी पहली वीडियो भी देखेंगे तो उसमें मैंने बताया कि बहुत नेचुरल प्रोडक्ट है। और अब अगर मैं बात करूँ इस शैम्पू की, टी ट्री शैम्पू, तो मैं आपको बता दूँ ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा शैम्पू है, क्योंकि मुझे डैंड्रफ की दिक्कत थी, मैंने उसके लिए ये मंगाया था। इसका प्राइस है 399, बट मुझे ये कुछ 359 की रेंज में मिला था। मैंने इसकी साइट ट्रू हेयर से इसे मंगाया था। हाँ, थोड़ा लेट मिला था, 1 वीक का टाइम लगा था, वो एक मैं थोड़ा कहूँगी थोड़ा स्लो प्रोसेस था, बट ये शैम्पू बेस्ट था। लाइक अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी और फ्रेगनेंस की बात करूँ, मैंने टी ट्री का ऑयल यूज़ करा है और इस शैम्पू में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आती है टी ट्री की, मतलब जैसे आप इसका ढक्कन खोलोगे आपको पता चलेगा कि इसमें कितना ज़्यादा टी ट्री मिला हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो वाकई में जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है। प्लस इस शैम्पू से आप जब हेड वॉश करते हो तो आपके बाल बहुत सिल्की और बहुत शाइनी होते हैं, और मेरा डैंड्रफ भी बहुत कम हुआ है। तो ये इस शैम्पू की बेस्ट बात है। अब हम बात करते हैं इसके ऑयल की, कि इसका ऑयल कैसा है, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूँ, ये भी मेरा बेस्ट एवर ऑयल है। लाइक मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ गाइज, जब ये ऑयल अगर आप यूज़ करोगे आपको खुद रियलाइज़ होगा इसमें भृंगराज की और भी कई सारी जड़ी बूटियों की इतनी ज़्यादा स्मेल आती है। भृंगराज की तो मुझे पता है, तो मैं वो फील कर सकती हूँ। अच्छा, इसके साथ जो हीटर मिलता है मैं उसे बताती हूँ कि उसे कैसे हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने हीटर को किसी भी प्लग में लगा देना है, और उसके बाद इसमें अपने हिसाब से जितना भी हमें ऑयल यूज़ करना है अपने बालों के लिए उतना डाल देना है। तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ, डेमो करके तो बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगी। और उसके 5 मिनट के बाद आपको ये बंद कर देना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि मैंने लगाया है तो मुझे पता है कई बार ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता है। आपको ज़्यादा नहीं, बस आपको हल्का सा गुनगुना करना है, और उसके बाद ढक्कन लगा के आपको इस हीटर को बंद कर देना है। उसके बाद आपने ऑयल को ले लेना है, और लेने के बाद आपने अपने स्कैल्प पे इस ऑयल को लगाना है, सारे ही बालों पे लगाना है। लेकिन बालों में तेल लगाने का एक मैं आपको तरीका बताती हूँ। मैंने देखा है पर्सनली कई लोगों को कि जब वो तेल लगाते हैं तो वो तेल को इतने ज़ोर ज़ोर से मसाज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। बहुत हल्के हल्के बालों की मसाज की जाती है, ज़्यादा इस तरीके से आप बालों को घिसे नहीं जैसे लोग घिसते हैं और तेल लगाते हैं बहुत जबरन तरीके से। आपने हल्के हल्के मसाज करनी है बालों की, ठीक है, और हल्के हल्के से आपको स्कैल्प में इस ऑयल को लगा लेना है। और जब भी आपको हेड वॉश करना है आप टी ट्री शैम्पू से हेड वॉश करें, और उसके बाद उसका कंडीशनर लगाएं, और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक टी ट्री प्रोडक्ट्स के साथ। आप भी इन प्रोडक्ट्स को ज़रूर मंगाइए, अप्लाई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ अपने रिश्तेदार या आपके जानने वाले जिनको भी बालों से रिलेटेड कोई भी समस्या है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग इट।